नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक ऐसी कॉमन समस्या की जो कि अक्सर महिलाओं को हो जाती है। जब उनका बच्चा छोटा होता है और वो पूरे टाइम ब्रेस्ट फीड करता है तो महिलाओं के जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे, आपके कौन कौन से फूड्स हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करके आप आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई यानी कि जो स्तनपान है उसका इंटेक बढ़ा सकती हैं बच्चे के लिए। अगर आपको भी कम दूध बन रहा है तो आपको ये सारे फूड्स खाने चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क बने और आपके बच्चे का पेट भर जाए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह से बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जितना दूध पीता है उतना ही माँ के दूध बनता है, और दोस्तों ये सत्य भी है। आप शुरुआत से ही जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, आप स्टिचेस की वजह से बैठ नहीं पा रही हैं तो आप कैसे भी पिलो लगा के और अपनी पोजीशन सेट करें और घर में किसी बड़े की हेल्प लें, उसके बाद आप बच्चे को दूध पिलाएं। कई बार क्या होता है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा होता है तो हम बच्चे को ऊपर का दूध पिलाते हैं और खुद का दूध नहीं पिलाते हैं या फिर कम पिलाते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपके दूध ना भी बने तब भी आपको बच्चों को बार बार सक कराना है, क्योंकि सकिंग जो होती है ये भी बहुत हेल्प करती है आपके बच्चे को दूध बनाने में। तो बच्चा जितना आपको बार बार दूध पीने की कोशिश करेगा उतना ही आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होगी। कई बार दोस्तों ये होता है कि हमें हमारे पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन रहा होता और बच्चा ऐसे में ऊपर का दूध ले लेता है। इसके बाद जब महिला के दूध बनता है तो बच्चा उसको पीता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये समस्या आ रही है तो आपको ब्रेस्ट पंप जो मार्केट में आते हैं उनसे, उनके, उनको लेकर आपको जो आपका दूध है उसको निकाल लेना है, क्योंकि दोस्तों जितना आपका दूध बाहर आएगा उतना ही दोस्तों आपके बच्चे के लिए दूध बनेगा। इसलिए आपको ब्रेस्ट मिल्क छोड़ना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी मैं बात करूं तो कई बार कहते हैं कि स्तनों को, जो महिला के ब्रेस्ट होते हैं उनको गर्म कपड़े से सिकाई करने से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है। तो दोस्तों, एक बार इसके लिए आप आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लें। अब दोस्तों, बात करती हूँ मैं खाने की, कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें लेनी है जिनसे कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी हो सके। तो दोस्तों, इसमें नंबर वन पे आता है पपाया यानी कि पपीता, जिसको हम प्रेगनेंसी में लेने के लिए मना करते हैं। जी हाँ, ये ही बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बहुत अच्छी करता है। इसलिए अगर आपके अभी बच्चा हुआ है और आपके दूध कम बन रहा है तो आप पपीता रेगुलर बेसिस पे आपकी डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आता है सौंफ का पानी। आप सौंफ की चाय पी सकती हैं, जिसकी रेसिपी आपको YouTube पे कई जगह मिल जाएगी। इसके अलावा या फिर आप सौंफ का पानी पी सकती हैं, सौंफ को पानी में भिगो के वो पानी पी सकती हैं, या फिर दोस्तों आप आपके खाने में सौंफ की मात्रा बढ़ा सकती हैं, इससे भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आता है दूध दलिया। दोस्तों, पुराने ज़माने से ही जो महिलाएं होती थी जिनकी डिलीवरी होती थी या जिनके बच्चे दूध पीते थे, उन्हें दूध दलिया बहुत ज़्यादा इसीलिए दिया जाता था क्योंकि दोस्तों जितनी अच्छी मात्रा में आप दूध दलिया लेंगी उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेस्ट सप्लाई अच्छी होगी। तो आप अपनी डाइट में दिन में एक बार दूध दलिया ज़रूर खाएँ। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आता है लिक्विड इंटेक। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगी, जितने ज़्यादा लिक्विड यानी कि दूध पिएंगी, पानी पिएंगी या फिर छाछ, इस तरह की कोई भी चीज़ पिएंगी, तो इससे भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। इसलिए आप लिक्विड का भी प्रॉपर मात्रा में इंटेक लें। इसी के साथ दोस्तों, नेक्स्ट आप इसमें ले सकती हैं वो है ओट्स। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप ओट्स भी रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो इससे भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, आप इसमें क्या खा सकती हैं वो हैं दोस्तों ड्राई फ्रूट्स। अगर आप ड्राई फ्रूट्स रेगुलर बेसिस पे खाती हैं और आपके छोटा बेबी है तो आपकी इससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी होती है। इसलिए दोस्तों, आप ड्राई फ्रूट्स भी अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे शामिल करें। इसी के साथ दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आते हैं काले तिल। काले तिल का दोस्तों उचित मात्रा में सेवन करने से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए अगर आपको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन रहा है तो आप काले तिल भी आपकी डाइट में शामिल कर सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें पालक।
तो दोस्तों अगर आप पालक भी खाती हैं तो इससे भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप ये सारे फूड्स खा रही हैं और फिर भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी नहीं है, तो आप एक बार ये ज़रूर पता करें कि कहीं आप कोई एंटीबायोटिक तो नहीं ले रही हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ खांसी जुकाम वगैरह की एंटीबायोटिक ऐसी आती हैं जिनको लेने से भी महिला की ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन अगर खा रही हैं तो एक बार आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से आप उस मेडिसिन के बारे में ज़रूर डिस्कस करें अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गई है तो। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इस तरह से एंटीबायोटिक से कम हुई है तो वो खाने से नहीं, उसके लिए डॉक्टर को आपको कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी या उसके सप्लीमेंट देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बहुत अच्छा कर देती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके आसपास अगर कोई नीडी है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।